नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, आज अपने ही उस वीडियो का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं जो 31 मार्च को आज से कुल 17 दिन पहले आपके लिए बनाया था। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी टॉप 6 स्टॉक्स की जो हमें पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, जिसकी हमें स्टडी करनी चाहिए थी, जो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं इस रिसेशन के समय में। ऐसे स्टॉक्स का आपके सामने लेके आया था उस वीडियो में जो हमारे पोर्टफोलियो को चार चांद लगा सकते हैं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर, सबसे पहले एक मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं, ये उन हेटर्स के लिए है जो वीडियो पे जाके ये कमेंट करते हैं कि शायद मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज से या टाटा मोटर से पैसा मिला हुआ रिकमेंड करने के लिए। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई पैसा मिला है, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप पसंद करते हैं, आप प्यार देते हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन खास उन लोगों के लिए लेके आता हूं जो बहुत सारी फंडामेंटल रिसर्च नहीं कर पाते हैं, जिनको एनालिसिस अभी भी पूरी नहीं आती है, जिनको लगता है कहीं से कुछ तो रिपोर्ट मिल जाए। लोग ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप बेवजह अपना पैसा बर्बाद करें। जो स्टडी आप नहीं कर पा रहे हैं, वो स्टडी मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूं और वो वीडियो आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन, सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन डेटा पॉइंट्स के ऊपर और पूरे तथ्यों के साथ में आपके सामने लेके आ सकूं। दोस्तों, चैनल अगर पसंद आता है, वीडियोस पसंद आती है, तो चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर सकें। और क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं, क्या इस वीडियो को 1000 से ज्यादा लाइक मिल सकते हैं? अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को भी कहिए देखने के लिए और लाइक करने के लिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि एकमात्र चैनल अपना है कि जहां हम डिटेल्ड एनालिसिस, अच्छी एनालिसिस, अच्छे स्टॉक फाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको उस वीडियो के ऊपर लेके चलता हूं जहां हमने 31 मार्च को ये कोशिश की थी फाइंड आउट करने की ऐसे कौन से दिग्गज 6 स्टॉक हो सकते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं, और उन्होंने 31 मार्च से लेके आज 17 अप्रैल तक क्या रिटर्न्स दी हैं, क्या कोई स्टॉक नेगेटिव रिटर्न में है या पॉजिटिव रिटर्न में है, या कैसी शानदार रिटर्न्स है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले उस वीडियो के ऊपर लेके चलता हूं जो वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये वो वीडियो है 31 मार्च की, देखिए, जिसको 34,000 लोगों ने देखा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। देखिए, इस वीडियो का टाइटल है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2020 इन इंडिया, 6 स्टॉक्स रिसेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, और इस स्टॉक में कौन से स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी गई थी, चलिए एक बार सुन लेते हैं जरा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो दिखाता हूं कि हमने कौन से स्टॉक्स की रिकमेंडेशन की थी, इस वीडियो को जरा सा सुन लेते हैं आपके लिए। सबसे पहला स्टॉक, जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये वो दिग्गज कंपनी है जो हम हमेशा से खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, समझने वाली बात क्या है, हर स्टॉक के पीछे डिटेल्ड एनालिसिस की गई थी, क्यों लेना चाहिए निफ्टी में, उसकी वेटेज कहाँ है, वो स्टॉक कौन है, उस स्टॉक के पीछे मैनेजमेंट क्या है, क्या तथ्य है। इस वीडियो को प्लीज जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे हम लोगों ने कितनी सटीक और कितनी अच्छी एनालिसिस करने की कोशिश की थी। पहला स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा स्टॉक था हमारा, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं ताकि आपको पता लगे, दूसरा स्टॉक था एचडीएफसी बैंक। देखिए, एक एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे जाने में टाइम लग रहा है, ये वीडियो कम से कम 10 मिनट की, 10 मिनट में 6 स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया। तीसरा स्टॉक था एशियन पेंट्स, देखिए, और एशियन पेंट्स की भी पूरे हमने 7 पॉइंट्स लिए थे। उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस की बात की, बजाज फाइनेंस के बाद हमने बात की गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद हमने लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने बात की टाटा मोटर्स की। चलिए आज हम देख लेते हैं कि इन स्टॉक्स का हाल क्या है। हम चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर पे जहां पे ये सभी स्टॉक्स मैंने आपके लिए पहले से लगा के रखे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज डेट है 17 अप्रैल, शाम को 5:30 बजे के बाद मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1224 के आसपास की क्लोजिंग है, एचडीएफसी बैंक की 910 की, बजाज फाइनेंस की 2308 की, एशियन पेंट की 1756 की, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 552 की, और टाटा मोटर्स की 76.85 रुपए की, मोटा मोटा 77 रुपीज की। चलिए देख लेते हैं कि ये स्टॉक्स कहाँ थे 31 अप्रैल को, अगर 31 मार्च को अगर देखें, सॉरी 31 मार्च को अगर देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ था, ये मैं एक स्टॉक का करके दिखाता हूँ, फिर मैंने एक शीट बनाई है, आप खुद भी इसके लेवल्स को चेक कर सकते हैं। 31 मार्च को 1091 की क्लोजिंग थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और अगले दिन भी उसके आसपास में ही खुला था, उसके आसपास ही चल रहा था, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक की जो क्लोजिंग थी वो देख लीजिए, 31 मार्च को अगर देखा जाए, 31 मार्च को 856 की क्लोजिंग थी। ऐसे ही जो स्टॉक्स को मैंने कंपाइल कर लिया है आपके लिए ताकि इस वीडियो में ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, आप अपने टर्मिनल पे जाके इन सभी स्टॉक्स की क्लोजिंग देखिएगा 31 मार्च की, और आज की क्लोजिंग से हम इसके रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 31 मार्च को 1091 पे क्लोज हुआ था, उसके बाद वो 1232 का हाई बना चुका है, और आज भी 1224 पे क्लोज हुआ है, मतलब मोटा मोटा 13% की रिटर्न वो हाई तक दे चुका है, अगर हाई पॉइंट से उसे कैलकुलेट करें। चलिए कोई बात नहीं, हमने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स नहीं लिए थे, हमने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए स्टॉक्स लिए थे, अभी तक उसकी 12% की रिटर्न खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज दे चुका है। दोस्तों, 17 दिन में 12% की रिटर्न आपको मजाक लगता है? जी नहीं, मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत है। एचडीएफसी बैंक 856 की क्लोजिंग थी, 915 का हाई लगा चुका है, और अभी भी 6% की रिटर्न पे हम हैं, 6% की रिटर्न एज ऑन डेट है, 7% की रिटर्न टोटल हाई तक दे चुका है,
बजाज फाइनेंस 2240 पे हम लोगों की बातें हुई थी, उसके बाद 2469 के आसपास वो लगा चुका है हाई, और 2308 की आज की क्लोजिंग है 17 अप्रैल की, और यहाँ पे हमें 10% की रिटर्न अगर हाई से कैलकुलेट करें हमें मिल चुकी है ऑलरेडी, ट्रेड ओपन है, तो 3% की रिटर्न बजाज फाइनेंस आज भी दे रहा है। 3% भी अगर देखा जाए सबसे मिनिमम 17 दिन में 3%, दोस्तों जो कच्चे का बिजनेस करते हैं या जो लोग अपने कच्चे का पैसा मतलब ग्रे मार्केट में ब्याज पे पैसा उधारी देते हैं वो भी 2% महीने का ब्याज पे देते हैं महीने का, यहाँ पे 17 दिन में 3% मेरे हिसाब से उस मार्केट से भी शानदार रिटर्न है। मैं किसी भी ग्रे मार्केट को फेवर नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वरना लोग ट्रॉलिंग करेंगे ग्रे मार्केट को फेवर कर रहा है, ग्रे मार्केट को फेवर कर रहा है, लोग जो लोग ठीक से सुनते नहीं है वो कुछ भी ट्रॉलिंग कर सकते हैं। एशियन पेंट 1645 पे हमारी बात हुई थी, 1757 का हाई लगा दिया, मतलब 7% की रिटर्न आज भी मिल रही है, 7% 17 दिन के अंदर अंदर में। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 511 पे हमारी बात हुई थी, 609 का हाई लगाया और 563 पे आज भी क्लोजिंग है, मतलब अगर हाई से देखें तो 19% की रिटर्न, अगर हाई पे नहीं भी बुक कर पाए नहीं लिया अभी भी सौदे कैरी हैं तो भी 10% की रिटर्न गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज भी दे रहा है हमें। दोस्तों टाटा मोटर्स सबसे छोटा स्टॉक, इस पे लोगों ने बोला कि रिजल्ट खराब है, रिजल्ट तो पूरे ऑटोमोबाइल कंपनी के खराब है पर फिर भी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को देखना होता है। 70 रुपए के आसपास हमारी बात हुई, 78 का हाई लगा दिया, 77 के आसपास की आज भी क्लोजिंग है और 12% की रिटर्न वो हाई तक दे चुका है और एज ऑन डेट 9% की रिटर्न है। दोस्तों अगर आपने पूरा पैसा इस पोर्टफोलियो में भी अगर आपने लगा दिया होता तो भी अगर सभी के एवरेज रिटर्न को निकाल लें तो हाई से कंपेयर करें तो 11% की बहुत ही शानदार रिटर्न 17 दिन के अंदर हमें मिल चुकी है, और अगर एज ऑन डेट आज की डेट में 17 अप्रैल की क्लोजिंग की बात करें तो एवरेज 8% की रिटर्न हमें आज भी मिल रही है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो निवेशक हैं, ये निवेश करने के लिए हमने वीडियो बनाया था, तो दोस्तों जो लोग निवेश करने का दिमाग लगाते हैं, निवेश में पैसा लगाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो था, और मेरे हिसाब से 8% से लेकर 10% की रिटर्न अगर हमें 17 दिन में मिल रही है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, किसी भी बैंक में, किसी भी एफडी में, किसी भी कॉर्पोरेट एफडी में आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों जहां साल का ब्याज 10-12% होता है प्राइवेट फाइनेंसिंग में, गवर्नमेंट बैंक्स में अगर देखेंगे तो 6-7% की रिटर्न्स हो रही हैं, यहाँ पे हमें उतनी रिटर्न या उससे ज्यादा रिटर्न सिर्फ 17 दिन में मिल रही है वो भी क्वालिटी स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स को लेने का फायदा क्या था, इन स्टॉक्स को लेने से मेरी हार्ट बीट ऊपर नहीं हुई, हमने इंडसइंड बैंक को इसमें शामिल नहीं किया जो 20-25% ऊपर और 25% नीचे, हमने ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल शामिल नहीं किया, हमने ऐसे स्टॉक्स को शामिल किया जो निवेश करने के योग्य शेयर थे, विच आर क्वालिटी स्टॉक्स, विच आर बेस्ट स्टॉक्स इन द कंट्री, जो जीरो डेट कंपनी भी उसमें शामिल थी एशियन पेंट्स जैसी। तो दोस्तों अगर आपको निवेश करना है तो आपको सेफ के साथ रहना पड़ेगा, दुनिया कहीं भी चली जाए जो दिग्गज कंपनीज हैं वो ऐसे माहौल में भी निवेश के मौके तलाशती हैं। आपको क्या लगता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिसेशन में बर्बाद हो जाएगी, या टाटा मोटर्स बर्बाद हो जाएगी, या एशियन पेंट्स खत्म हो जाएगी, या गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएगी, या बजाज फाइनेंस खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसे रिसेशन में ये कंपनीज कुछ और प्लान करेंगी, कुछ और बिजनेस मॉडल लेके आएंगी, जो अपने बिजनेस मॉडल में ऐड करेंगी। ये कंपनीज कहां से शुरू हुई थी, कहां तक आ गई और कहां तक चली जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो हमेशा नया कुछ करने में दिमाग लगाती हैं, नया कुछ करने में ही इन्वेस्ट करती हैं। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपके पास कुछ पैसा पड़ा है और किसी सपोज टेक्सटाइल के बिजनेस में जाना चाहते हैं या फूड प्रोडक्ट्स के कंपनीज में आप निवेश करना चाहते हैं, अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप वो पैसा किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में निवेश कर दें जो आपके लिए बिजनेस करे तो क्या बात है। शेयर मार्केट निवेश का दूसरा नाम है, सट्टे का नाम नहीं है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट को सट्टे के हिसाब से देखते हैं ये बाजार उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो लोग निवेश के हिसाब से देखते हैं उनको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिल जाती हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए, एनालिसिस आपको आना चाहिए, डेटा स्टडी करना आपको आना चाहिए, अगर ये सब कर पाएंगे तो एक अच्छे निवेश को अच्छी ट्रेडिंग के साथ मैच करके आप अपनी रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अगर मान लो 1220 पे स्टॉक को बेच दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, अगर हमने 1000 अगर 1100 के आसपास हमने बात की और 1220 के आसपास हम बेचने में कामयाब हुए जो बहुत अच्छे मौके मिले भी हैं, वापस से 900-950 पे हमें दोबारा मिल जाता है फिर 1200 में, तो ऐसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें बहुत सारी मिल सकती हैं। पूरे साल में 2-4 अपॉर्चुनिटीज ऐसी जरूर मिलेंगी। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अपने पोर्टफोलियो का 25-30% पैसा आज ही लगा दीजिए ताकि आप अपनी इन स्टॉक्स को ट्रैक कर पाए। दोस्तों हम निवेश की बात कर रहे हैं और निवेश को हमेशा प्रमोट करेंगे, तो निवेश करने वाले लोग प्लीज अपनी एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक नहीं किया तो ये कंजूसी मत कीजिए, इस लाइक पे तो मेरा अधिकार है। और हाँ, आप चाहते हैं
कि ऐसी ही वीडियोस या किसी भी ऐसे टॉपिक पे जिसपे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो वीडियो का टॉपिक जरूर लिख के दें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे थीसिस, अच्छे स्टैट्स के साथ में उस वीडियो को आपके सामने पेश करूं। दोस्तों, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर।